हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप ऐसे 5 मोमेंट्स लेकर आया हूँ जिसमें ऐश अपनी फीलिंग्स सरेना के लिए शो ऑफ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th पोजीशन पर आता है अंडर द प्लेडिंग ट्री। इस एपिसोड में सारे कैरेक्टर अपने अपने पोकेमोन्स के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और इसी इवेंट के दौरान ऐश भी एक अपनी तरफ से सरेना को गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट ऐश को रेलवे स्टेशन पर मिला था जो कि सरीना को काफ़ी पसंद आया था और सरीना भी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और काफ़ी खुश नज़र आती है और कहीं ना कहीं ऐश अपनी फीलिंग्स सरीना के लिए शो कर ही देता है। 4th नंबर पे है ऐश कॉम्प्लीमेंट सरीनाज अटायर। इस एपिसोड में सरीना पूरी अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर देती है और अपने हेयर्स को काफ़ी शॉर्ट कर लेती है, लेकिन सरीना का ये नया लुक किसी को भी पसंद नहीं आता और वहीं पर हमारा ऐश बोलता है यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ऐश अपनी फीलिंग्स सरीना के लिए शो कर देता है और ये सरीना को भी काफ़ी पसंद आता है। और इस एपिसोड की मेन बात तो ये है कि जो ऐश ने सरीना को गिफ्ट किया था वही रिबिन सरीना अपनी ड्रेस में लगा लेती है। 4th पोजीशन पर आता है सरीना टेंस टू इंजर्ड ऐश। ये पोकेमॉन सीरीज XY का एपिसोड नंबर 39 है। इस एपिसोड में ऐश और सरीना एक जंगल से गुजर रहे होते हैं और तभी सरीना एक्साइटमेंट में आकर दौड़ने लगती है और खड्डे में जा गिरती है और हमारा ऐश उसे बचाने के लिए खड्डे में कूद जाता है और फिर सरीना बच जाती है और ऐश को छोटी सी पैर में मोच आ जाती है और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी प्यार भरी बातें होती है और ये भी एक प्रूफ बन जाता है ऐश की फीलिंग का। उसके बाद 2nd पोजीशन पर आता है ऐश पिक्स सरीना ओवर मीटी। इस एपिसोड में सरीना और मीटी की बैटल हो रही होती है और मीटी ऐश को पूछती है तुम मुझे सपोर्ट करोगे या सरीना को, और उसके बाद ऐश बिना सोचे समझे बोल देता है कि मैं सरीना को सपोर्ट करूँगा और ये भी एक प्रूफ बन जाता है ऐश की फीलिंग का सरीना के लिए। और आखिर में 1 पर आता है सरीना किसिस ऐश। ये अब तक का सबसे मज़ेदार एपिसोड है और इस एपिसोड को लेजेंडरी एपिसोड भी बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता लेजेंडरी एपिसोड क्या है तो आपको क्या ही पता है गाइस। इस एपिसोड में सरीना दौड़ते दौड़ते आकर ऐश को किस कर लेती है। हालांकि इसमें ऐश ने कोई फीलिंग नहीं दिखाई, लेकिन ऐश के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि उसका सरीना को किस करने पर कोई नामंजूरी नहीं है, यानी कि ऐश भी चाहता है कि वो उसे किस करे। और यहाँ पर भी ऐश अपने एक्सप्रेशन से उसकी फीलिंग बता ही देता है। और इसी के साथ हमारे वीडियो का आता है दी एंड और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।